कोरोना महामारी के चलते रोकी गई बस सर्विस हरियाणा में फिर से शुरू हो गई है। आज से हरियाणा के 10 जिलों में हरियाणा रोडवेज की सेवा को शुरू किया गया। आज पहले दिन अंबाला से पंचकुला के लिए सिर्फ एक ही बस रवाना की गई, जिसमें मात्र 4 यात्रियों ने सफ़र किया और 5 यात्रियों ने इस बस के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी। इसके अलावा कैथल व करनाल के लिए आज कोई बस नहीं चली, जिसका कारण बुकिंग का ना होना बताया जा रहा है। लेकिन सवाल खड़ा होता है, आखिर क्या लोग फिलहाल सफ़र करने को राजी नहीं हैं और क्या रोडवेज को 4 यात्रियों से मुनाफा होगा, या अभी देर है फिर से रोडवेज बसों में यात्रियों की चहल पहल देखने को मिलेगी। ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी सर हरियाणा रोडवेज की साइट से, जब पता लगा था ऑनलाइन ही पता लगा था न्यूज़ थ्रू न्यूज़ कि कल से हरियाणा रोडवेज धीरे धीरे शुरू होगी। तो एक्चुअली मैं वहाँ जॉब करता हूँ, तो पहले मैं बाइक से जा रहा था, तो हरियाणा रोडवेज जैसे शुरू होगी तो मेरी बाइक वहाँ है तो बाइक से ही कम्यूट करूँगा फ़िलहाल मैं। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएगी फिर अपना डेली कम्यूट करेंगे। हाँ जी, फ़ायदा तो होगा सर, जो नहीं जा सकते हैं अपने व्हीकल से तो वो तो इसी का ही यूज़ करेंगे ना। सर मेरा नाम संदीप है और मैं पंजाब से हूँ। मैंने पंजाब में कल 15 तारीख के लिए कर्फ्यू पास लिया था सुबह 5 से लेके 11 बजे तक, और मैंने कनेक्ट किया था क्योंकि एक लड़के जो हमारा कलीग्स है उसने मेरे साथ आना था स्कूटी पे। तो यहाँ अम्बाला तक तो मैं आ गया हूँ और उसके पहले मैंने बुकिंग कर ली थी, कल शाम को बुकिंग शुरू हो गई थी 8 बजे तक। तो मैंने बुकिंग कर ली और उन्होंने टाइम दिया मुझे 8 बजे का कि यहाँ पे 8 बजे आपकी बस सर्विस आपको कैथल ले जाएगी, आपको बस सर्विस बस ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से। लेकिन अब यहाँ पर आके मेरे को पता चला है कि ऑनलाइन आपकी बस, मतलब कि आप अकेले बंदे हो जो जिसने बस की बुकिंग की है, तो अब आप नहीं जा सकते वहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम को भी सरकार को देखना चाहिए कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो तो कौन सा बंदा कहाँ से आपको कनेक्ट कर रहा है, ये ताकि वो ऑनलाइन बुकिंग आप उसको रिज़र्व कर सको कि कैसे आप कनेक्ट करते हो वहाँ पे। तो ये भी सरकार को सोल्यूशन देखना चाहिए। नहीं, कैंसिलेशन का कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास, लेकिन ये है कि अब यहाँ पे आके कह रहे हैं कि आप नहीं जा सकते, आपके लिए कोई बस सर्विस नहीं चलाई गई है, तो दैट इज़ अ मेजर इशू। कैथल मेरा घर है, मैं पंजाब में नवांशहर में जॉब करता हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहाँ से मैंने पास बनवाया था घर के लिए। तो लेकिन अब यहाँ पे आके मैं दोबारा से फंस गया हूँ, इन्होंने मेरे को कह दिया कि अब यहाँ पे बस सर्विस आपकी नहीं चलेगी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।